बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का दावा कितना सच हो रहा है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ राधा। आज हम आपको दिखाएंगे सुपौल जिले के बसंतपुर के PHC को, जहाँ की हालत इतना ख़राब है कि वहाँ के डॉक्टर्स और ANM ही परेशान है, तो सोचिए मरीजों की क्या हालत होगी। यूं तो स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है ये आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में। समस्या, हम लोग लेबर रूम में काम करते हैं, लेबर रूम में पानी का व्यवस्था नहीं था। सर द्वारा आश्वासन दिया गया था, एप्लीकेशन लगाए थे कि ठीक है, अविलंब ठीक करा दिया जाएगा, लेकिन जैसे तैसे काम चल रहा था। मोटर जलने के कारण लेबर रूम में काम में बहुत परेशानी हो रही है। इसी के चलते हम लोग दूरभाष से प्रभारी सर से संपर्क करना चाहे, लेकिन प्रभारी सर फोन रिस्पांस कोई ले ही नहीं रहे हैं। पीने के लिए तो हम लोग घर से ला कर के पीते हैं, लेकिन अब डिलीवरी केस आया, 10 बार हाथ धोना पड़ता है। कितना बार हम लोग बाहर जाइए, दिन में तो जा भी सकते हैं, रात में क्या करेंगे। यहाँ क्या समस्या क्या है, सारे ANM को दिक्कत होता है, वो 7-8 ANM है और ममता भी है। तो इन लोगों ने बोला और हमको भी OT में के जा रहे थे, काफ़ी गंदी थी। तो हम लोग जब पहुंचे तो प्रभारी साहब से आवेदन दिया गया। आवेदन पर प्रभारी साहब ने लिख दिए कि हेल्थ मैनेजर, इसकी अविलंब व्यवस्था की जाए, जो अभी तक व्यवस्था नहीं हो पा रहा। हाँ, समस्या तो है, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। कई बार इसके लिए कहा गया, मैनेजर साहब को कहा गया, हमारे पदाधिकारी साहब को कहा गया, लेकिन इस पर अभी तक कोई वैसा खास एक्शन नहीं हो पाया। तो इसके लिए हम भी यही कहना चाहेंगे कि इसको जितना जल्द से जल्द हो सॉर्ट आउट कर लिया जाए, क्योंकि पेशेंट या कोई भी आता है तो जो भी डॉक्टर ड्यूटी में रहते हैं सबसे पहले उन्हीं पर आके घास गिरता है, लोग आके उन्हीं से पहले सवाल करते हैं। तो ये हमारा कहना है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो आपके माध्यम से ये सही कर लिया जाए तो ये अच्छा रहेगा सबों के लिए। यहाँ के मरीजों को पीने का पानी भी अपने घर से लाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह सभी समस्या दूर हो पाती है या फिर स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किए गए दावे सिर्फ कागजों पर ही सीमित रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।